ठीक है भाई, कंटिन्यू करते हैं आगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं जिसमें प्योर प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग, नहीं होती, डोपिंग का मतलब क्या था? इम्प्योरिटी का इंप्योरिटी को ऐड करना इज डोपिंग, राइट। आज हम इससे उल्टे दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम डोपिंग करते हैं, ठीक है। चलो जी, हेडिंग बना लो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दीज आर द सेमीकंडक्टर्स इन विच इम्प्योरिटीज are added are known as extrinsic semiconductors, ठीक है। मतलब दीज आर इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। These are impure semiconductors. और इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। लिख लेते हैं इसमें डोपिंग, हेडिंग बना लो। डोपिंग क्या होता है? इट इज द एडिशन ऑफ, इट इज द एडिशन ऑफ डिजायरेबल अमाउंट, इट इज द एडिशन ऑफ डिजायरेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इन दी टू दी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। डोपेंट होता है डोपेंट क्या है? इंप्योरिटी को डोपेंट बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम ऐड करते हैं, इट इज दी इंप्योरिटी व्हिच इज एडेड टू दी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ डोपेंट्स, क्या बताए थे टाइप्स ऑफ डोपेंट्स? डोपिंग किस चीज की जाती है, किस चीज से की जाती है डोपिंग? पीछे वाले आगे या पीछे वाले? जैसे
ये तो टेट्रावेलेंट होते हैं जो इंट्रिंसिक वाले होते हैं, राइट। तो इसके आगे और पीछे वाले मतलब या तो अपना ये पेंटावेलेंट ट्रायवेलेंट, बिल्कुल सही बात है। टाइप्स ऑफ डोपेंट्स में अपने पास दो हैं, पहला है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब इनकी वैलेंसी इज एग्जाम्पल फॉस्फरस, फॉस्फरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, नहीं आर्सेनिक का सिंबल AS होता है। फिर आते हैं ट्राइवेलेंट, की वैलेंसी इज थ्री। एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम, बोरोन एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया टाइप्स। अब इन दो टाइप्स के बेसिस पे कौन सी इंप्योरिटी डाली जाती है, उसके बेसिस पे दो टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पेंटावेलेंट डाली जाएगी तो कौन सा होगा, ट्राइवेलेंट डाली जाएगी तो कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, कौन सा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। तो लेट अस स्टडी दोज वन बाय वन। टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, दो तरह के होते हैं, उनके नाम होते हैं, इनके नाम होते हैं, एक होता है एन टाइप, दूसरा होता है पी टाइप। क्या होता है? पी टाइप। एक होता है एन टाइप, दूसरा होता है पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप क्या है? जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं पांच वाली, तो उसको एन टाइप बोलते हैं। उसको याद करने का तरीका देखो, पांच वाली इंप्योरिटी डाली मान लो, इधर क्या होगा, पांच वाली जैसे एग्जाम्पल फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, मान लो आर्सेनिक डाल दिया, इधर जर्मेनियम एटम्स हैं सारे, ये सारे जर्मेनियम है इधर, तो क्या होगा, जर्मेनियम के साथ जर्मेनियम तो ठीक है, ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो चलो दो दो ऑक्यूपाइड हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दो इसके, दो इसके, दो इसके और दो इसके, दो गया, लेकिन आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन रह गया ना, जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, yes. क्योंकि उसके पास कितने थे, पांच थे, पांच में से चार ने तो बॉन्ड बना दिया साथ के जर्मेनियम एटम्स के साथ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, क्या रह गया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, दैट फ्री इलेक्ट्रॉन इज इन द कंडक्शन बैंड एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ मतलब डोपिंग एनहेंसेस द परफॉर्मेंस। हम कल भी बात कर रहे थे डोपिंग के साथ हम परफॉर्मिंग, डोपिंग की क्यों जाती है, डोपिंग की जाती है सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी एनहेंस्ड। परफॉर्मिंग, परफॉर्मेंस कितनी एनहेंस करनी है, क्या करना है, वो सब रिक्वायरमेंट बेसिस पे होता है, राइट, कहाँ पे उस सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जैसे डोपिंग कर दी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए, तो एक है, एक ने हर इम्प्योरिटी, ईच एटम ऑफ इम्प्योरिटी एटम एड्स वन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं सपोज 10 पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स एक सैंपल में, बहुत सारे है ना, जितने ऐड करेंगे एटम्स उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो जाएंगे। दिस इज हाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड एंड कंडक्शन इज एनहांस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। टेल मी वन थिंग, इस सैंपल पे जो ये सैंपल है कौन सा चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक बच गया ना एक्स्ट्रा, नेगेटिव,
It will be negative? Yes. Yes, sir. सबको लग रहा है? Yes. किसी को कुछ डिफरेंट लग रहा हो? हैमिलन? पता नहीं सर। बोल रहे हैं नेगेटिव। बोल रहे नेगेटिव। तुम क्या बोल रहे हो? नेगेटिव। चलो हेलो अंतिम। नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होगा क्यों? कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्यों सर? एक सेकंड, पीछे बैकग्राउंड मेरा। बैकग्राउंड पे क्या? कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तुम बोलो। नहीं आ रही कोई आवाज? नहीं नहीं कुछ नहीं आ रहा। बोलो। अच्छा। बोलो सर, नेगेटिव थोड़ी होगा। वो तो ऐसे नहीं होता कि अगर किसी ने गेन किया इलेक्ट्रॉन, ये तो उसका खुद का ही है। यस एग्जैक्टली, ये इलेक्ट्रॉन उसका खुद का है। उसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है कहीं से क्या? नो। अरे वो इलेक्ट्रॉन बेचारा बॉन्ड नहीं बना पाया तो क्या मतलब, वो कीपर आया हो गया क्या? अरे है तो खुद का ही। यस समझे, वो पराया बच्चा नहीं है, इसका खुद का है। वो बेचारा बॉन्ड नहीं बना पाया, घूम फ्री रहा है, वेला है, लेकिन है तो खुद का। तो इसलिए दिस सैंपल, दिस एटम एंड हेंस दिस सैंपल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अरे यहाँ के ना सवाल आ रखा है डायरेक्ट। बच्चे क्या सोचते हैं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव, समझे? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा, नाम हम कैसे याद रख लेंगे? नाम हम ऐसे याद रख लेंगे भाई, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब एन से नेगेटिव, तो एन टाइप। बट एन टाइप, एन नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव चार्ज है ना, इट इज न्यूट्रल। ऐसे ही पी टाइप में भी ऐसे होता है। पी टाइप में यहाँ पे सेंटर में आर्सेनिक की जगह क्या होगा? लेट्स से बोरोन। तो बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ पे होल रहेगा, हाँ कि ना? Yes. अब होल है, एक इलेक्ट्रॉन कम है। कम होने का मतलब ये नहीं है कि इस पे चार्ज पॉजिटिव है, समझे? इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन थे वो इसके पास है ना, इसने किसी को दिया इलेक्ट्रॉन ना इसने किसी से लिया, तो इट इज स्टिल व्हाट? न्यूट्रल। तो चाहे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, चाहे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो वो दे आर बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या ये बात दिमाग में पल्ले पड़ गई? हरेक की बोलती है। यस ठीक है। और पी टाइप हम मतलब पॉजिटिव से पी टाइप को याद रख सकते हैं, एन से नेगेटिव को याद रख सकते हैं, एन मतलब नेगेटिव से एन को याद रख सकते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव लगता है तो मतलब एन टाइप, एक कम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव लगता है मतलब पी टाइप, बट लगता है डज नॉट मीन के वो है, ठीक है? ये सिर्फ याद करने का टैक्ट है और कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज बिठा दो तुम लोग, ठीक है? चलो तो इसको अब हम लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स में पहला है कोशिश। तुम्हें समझ में आ रहे? अरे भाई बैठे भी हुए इन लोगों को लेवल देखो। हर्षिता कोशिश है यार, ये तो जवाब देने वाले लड़की है हमारे जैसी से। नहीं मतलब ये देती चैट पे है लेकिन देती है जवाब। हर्षिता तो उसी में है, प्लस टू में है, बैच में ही है। मैंने तो पहली बार ही देखी।
केमिस्ट्री वाले उसमें तो दिख जाता। हर्षिता को ज्वाइन करके भाग गई। मन्नत को नया मतलब नहीं है ऐसे। मन्नत वो 11वीं वालों प्लस 2 की क्लास चल रही है। देख रहे हैं उनको समझ ही आ रहा होगा ज्वाइन करके। तुम लोगों का टाइम एक्चुअली आज मैंने इंटरचेंज किया था, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एंट्रेंसिंग में पहला लिखना है अपने को एन टाइप। सेमीकंडक्टर व्हेन सम एटम्स ऑफ कौन सी इंप्योरिटी पेंटावेलेंट व्हेन सम एटम्स ऑफ पेंटावेलेंट एटम्स मतलब इंप्योरिटी आर added to the intrinsic semiconductor, then n-type semiconductor is formed. एक सेकंड होल्ड करो जरा। इसकी फोटो बना लो। स्क्वायर किधर से बन गया? एन टाइप है तो इम्प्योरिटी विल बी अ पेंटावेलेंट लाइक आर्सेनिक जर्मेनियम ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया।
दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन. इसमें पॉइंट्स लिखेंगे. फोटोबंदी. यस ठीक. इस इम्प्योरिटी को ना जो एन टाइप इम्प्योरिटी है इसको हम डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द कंडक्शन बैंड फॉर एनहांस्ड कंडक्टिविटी. ठीक है, इसको बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी. The impurity is called donor impurity. Dusra point. The n-type semiconductor is electrically neutral. Next point. In n-type सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर्स हम किसको बोलते थे? अरे चार्ज कैरियर्स हम किसको बोलते हैं? जो चार्ज कैरी करते हैं. जो चार्ज कैरी करते हैं, बिल्कुल सही बात. अरे कल बताया था चार्ज कैरियर्स दो तरह के होते हैं सेमीकंडक्टर्स में. एक इलेक्ट्रॉन दूसरे होल्स. अरे हाँ याद आ गया. ठीक है याद आ गया. है ना, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड वाले वो तो मूव करेंगे ही करेंगे, भागेंगे ही भागेंगे पॉजिटिव की तरफ, लेकिन साथ में होल्स भी भागते हैं. यस और नो? अरे इलेक्ट्रॉन उठ के आता है होल में तो इनडायरेक्टली होल मूव कर गया. टेक्निकली तो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है बट हम बोलते हैं कि होल मूव कर रहा है. तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर वही दोबारा देयर विल बी टू चार्ज कैरियर्स. लेकिन यहां पे क्या होता है कि मान लो अगर हमारे पास वैलेंस बैंड में चार इलेक्ट्रॉन्स उठ के कंडक्शन बैंड में गए थे तो चार होल्स हैं और चार इलेक्ट्रॉन्स हैं. यस और नो? यस यस सर. बट एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज डालनी है इतनी जिसके वजह से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आ गए कंडक्शन बैंड में. ठीक है, मान लो पहले चार इलेक्ट्रॉन था, अब कितने, लेट्स से 500 इलेक्ट्रॉन और आ गए लेकिन होल तो चार ही हैं. ये कितने हो गए 504, ये कितने हैं 4. तो विच इज द मेजोरिटी चार्ज कैरियर? Electron is the majority charge carrier and who is the minority charge carrier? Holes are the minority charge carriers because number density of electrons and number density of holes में काफी अंतर आ गया है. Yes or no? Yes. So number density of electrons is very much greater than number density of holes. ठीक है जी, simple सरल सा क्या है लॉजिक है. तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर
इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स. ठीक है. दूसरा अगला है एन ई जो है दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन एन एच. एंड एक लॉ होता है मास एक्शन लॉ करके, मतलब आपको बस ये याद रखना है एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर. रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन. एन आई हमें याद है क्या था? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स. राइट. इसकी बैंड डायग्राम एनर्जी डायग्राम बना लेते हैं. एनर्जी डायग्राम में चेंजेस आ जाएंगे. जैसे हमने कुछ बनाई भी है ना एनर्जी डायग्राम. देखो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, उन इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ यहाँ से छोड़ गए और यहाँ बन गए होल्स, जैसे चार होल्स. तो ऊपर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चार इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक दो तीन एंड चार. लेकिन और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए किसकी वजह से? इम्प्योरिटीज की वजह से, एन टाइप इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी. दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड. एक नाम सुना था हमने फर्मी एनर्जी लेवल, जो कि इंट्रिंसिक में कहां पे लाई करता है? बिल्कुल मिडिल में. बिल्कुल मिडिल में. लेकिन यहां पे विल इट बी इन द सेंटर और नॉट? Towards conduction band. It will be towards conduction band because it is what? It was kya? It was the average of energies. दोनों की उसमें क्योंकि दोनों same थे तो इसलिए energy बिल्कुल average में center में आ गई. लेकिन यहाँ पे electrons ज़्यादा हैं, electrons की energy इसलिए ज़्यादा हो जाएगी. Average out जब हम करेंगे तो वो किधर आएगी? It will be very near to the conduction band. तो Fermi जो energy level है वो इधर बनेगा. और इसको डोनर लेवल भी बोल देते हैं, डोनर इंप्योरिटी के नाम से. द फर्मी एनर्जी लेवल also known as donor level is close to conduction band. Because the number density of electrons is very high than the holes.
सिखा लिया? यस ठीक। अगला टाइप है पी टाइप सेमीकंडक्टर। When some कौन सा ऐड होता है इसमें? Trivalent. When some trivalent impurity atoms are added in the intrinsic semiconductor, then p-type semiconductor is formed. ठीक है जी, इसमें फोटो इधर रह गया एक होल और इलेक्ट्रॉन, ये मान लो बोरोन है, तो फोटो बन जाए बता देना। डन ठीक है। ये है होल, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंगली सेम पॉइंट्स लिख लेंगे हम, ऊपर से उठा उठा के वही लिख लो। पहला पॉइंट लिखा था द इम्प्योरिटी इज कॉल्ड, यहां पे द इम्प्योरिटी को एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं बिकॉज इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर घूम रहे हैं यहाँ पे होल में आके वो आराम से बैठ जाए, इसलिए इसको एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते हैं। द इंप्योरिटी इज कॉल्ड एक्सेप्टर इंप्योरिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट था ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दी पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
अगला पॉइंट इसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी चार्ज कह रहे हैं सिंपली होल यस एंड माइनॉरिटी विल बी इलेक्ट्रॉन्स majority charge carriers are holes क्योंकि होल बहुत ज्यादा बन जाएंगे हर इंप्योरिटी एटम अपने साथ एक होल लेके आ रहे हैं पहले जो था तो था चार चार थे मान लो 500 एटम डाल दिए तो 500 होल जा गए 1000 एटम डाल दिए 1000 होल जाएंगे Minority charge carriers are electrons. इसमें number density of holes will be very much greater than number density of electrons. And ये तो फिर law ही है ये तो होगा ही बना लेते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम सर यस ये पी टाइप में वैलेंस बैंड ज्यादा कंडक्शन करेगा कंडक्शन बैंड से यस होल्स तो वही होंगे यस ठीक है कुछ इलेक्ट्रॉन तो जो यहाँ पे पहले पड़े हैं वो हैं कुछ यहाँ पे होल्स बन गए थे 1 2 3 4 लेट से और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 फिर बोरोन ने आके इधर बहुत सारे क्या बना दिए होल्स बना दिए तो इसमें जो लेवल है फर्मी वो किधर शिफ्ट हो जाएगा वैलेंस बैंड के पास होगा बिल्कुल This is Fermi level and also known as acceptor level. ये जो holes हैं These are holes due to impurity. ठीक है ऊपर वाली फोटो में भी हम लिख सकते हैं These are electrons due to impurity ठीक है इसमें the Fermi energy level also known as acceptor level is close to valence band because the number density
of holes is very higher than electrons. चिपका लिया? यस। ठीक है, चलो शुरू करवा लो। चलो, ये दो टाइप के क्या थे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स थे। अब इन दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या इंट्रिंसिक भी हो चाहे, उन दोनों के ना, उन दोनों नहीं, मतलब किसी भी सेमीकंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, देन व्हाट विल हैपन? देयर विल बी, व्हाट विल हैपन? There will be flow of current. Right? Flow of current क्यों है? Due to flow of electrons. Due to flow of electrons as well as flow of holes. अब मान लो इधर positive लगाया, इधर negative लगाया, इधर electron थे, इधर holes थे, है ना? तो tell me इन दोनों का current, तो current भी दोनों के कारण आएगा, तो total current जब हम निकाल लेंगे तो दोनों का addition होगा या subtraction होगा? Subtraction होगा? Yes. किसी की अलग भावना है? सर, इसमें एडिशन हो जाएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो राइट को जा रहे हैं और जो करंट होगा फिर वो लेफ्ट को जाएगा ना, इनकी वजह से, और जो होल जा रहे हैं वो लेफ्ट को जा रहे हैं, तो डायरेक्शन सेम हो जाएगी। सही कह रहा है, मैं तो डायरेक्शन उल्टी बोल गया, लेकिन सही कह रहा है। इलेक्ट्रॉन जाएंगे लेफ्ट को? यस यस। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट को जाने की वजह से इनका जो करंट होगा दैट विल बी टुवर्ड्स राइट? यस। बिकॉज़ करंट की डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यस और नो? यस। होल्स पॉजिटिव चार्ज माने जाते हैं, तो ये तो पॉजिटिव, ये तो राइट को जाएंगे? यस यस। तो इनका करंट भी राइट को ही होगा, आई एच? यस। बोथ द करंट्स विल बी एडेड। ठीक है जी, तो ये दोनों करंट्स ऐड करके अपने पास टोटल करंट आएगा। ओके, और इस करंट को यूज करके हम इस मटेरियल की कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। ओके, वो आगे आगे आता है, उसके बेसिस पे मैं भी दिया था, लेट्स फाइंड आउट। हेडिंग बना लो, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ये जो हम एक्सप्रेशन निकालेंगे दैट हैज टू बी रिमेम्बर्ड। तो कंसिडर अ सेमीकंडक्टर across which a potential difference is applied. Then the total current will be
the sum of electron current and the hole current. That is, I is equal to IE plus IH हो जाएगा. And current का formula हमें current electricity वाले chapter से याद होगा. जो current का formula था, I is equal to NEAVD. Remember that? Yes, sir. So... N क्या था उधर? Number of electrons per unit volume. Right, it is number density. Number of electrons होगा इधर IE में NE आ जाएगा. E is charge on electron, A is area of cross section, B क्या था? Drift velocity. It was drift velocity. ठीक है, तो यहाँ पे drift velocity of electrons आएगा. And IH होगा number density of holes, EAV of holes. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ होल एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर डेंसिटी ऑफ होल है, ये दोनों में फर्क है, ये होते तो सेम है. ऊपर एक्सप्रेशन में डाल देंगे तो आई मेरे पास आ जाएगा ई और ए तो कॉमन आ गया, एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच. ऑल्सो करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, एंड वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या नाता होता है? V upon L है ना, A बोला तुमने? Yes. V upon L is electric field, therefore V will be E into L upon yes. R. ठीक है, इसको हम ऊपर डाल देते हैं, इसी को चलो R भी डाल देते हैं, E L. R क्या होता है? Rho L by A. तो ये क्या आ गया? E A by Rho. तो चक्कर परेशानी इसमें नहीं है, therefore मेरे पास आ गया EA by rho is equal to EA NEVE plus NHVH. A को उड़ाओ, E को उधर ले जाते हैं, यहां से आएगा मेरे पास 1 by ये rho is equal to E times NEVE by E plus NH VH by E. And velocity of electric field, do you remember something? So mobility. Yes, mobility. Formula, हमने एक छोटू सा formula किया था, use नहीं किया था, but हमने term की थी. Mobility. Of इलेक्ट्रॉन म्यू ई इज वी ई अपॉन ई एंड मोबिलिटी ऑफ होल इज म्यू एच वी एच अपॉन ई. देयरफॉर 1 by rho is sigma, राइट? सिग्मा इज कंडक्टिविटी, ई इंटू NE mu E plus NH mu H. ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, एंड फॉर्मूला आपको कैलकुलेशन उसके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है, डेरिवेशन पे मार्क कर लो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स. ठीक है, सिंपल है डेरिवेशन तो. अरे भाई बैटरी लो, एक चीज बच गए.
चिपका लिया। इस हो गया यहाँ तक? यस। इसमें ना अगर तो सवाल आता है आपको इंट्रिंसिक का, तो दोनों टर्म्स की कंट्रीब्यूशन होगी, इसकी भी और इसकी भी, दोनों टर्म्स की कंट्रीब्यूशन होगी। अगर सवाल आता है एक्सट्रिंसिक का, एक्सट्रिंसिक में इन नंबर डेंसिटीज में बहुत अंतर होता है, जैसे अभी हम एग्जांपल ना, वो बहुत ज्यादा अंतर होता है इन नंबर डेंसिटीज में। तो अगर एन टाइप की बात हो रही है तो उसमें एन ई विल बी वेरी मच ग्रेटर देन एन एच। यस। तो उस केस में हम कौन सी टर्म को निग्लेक्ट कर पाएंगे? और वाइस वर्सा, पी टाइप में हम किसको निग्लेक्ट कर देंगे? ठीक है, ये लिख लो चाहे। इंट्रिंसिक में तो दोनों यूज करनी है, लेकिन फॉर अपना एन टाइप n is very much greater than nh, therefore sigma हो जाएगा e into ne into mu e, and for p type nh is very much greater than ne, therefore sigma हो जाएगा approximately होता है, मतलब ये ना e into nh upon जुगाड़ किया ना हमने, कैलकुलेशन बचाइए। सवाल करते हैं इसका। तो लिखो सवाल। क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक semiconductor as per the given data। क्या क्या दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है म्यू ई की वैल्यू है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। म्यू एच की वैल्यू दे रखी है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंसेंट्रेशन वो दे रखी है 1.0172 इंटू 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा ही मैं अंतर बताना।
हाँ भाई आंसर आंसर कर रहे हो मतलब जिंदा हो यस यस नहीं दीदी तो बहुत बड़ा घपला किया तुमने कितने हजार करोड़ का घपला है मिलन अरे ऐसे ही में कन्वर्ट करना आता है इनको पार के गड़बड़ है हाँ पावर की बहुत ज्यादा गड़बड़ है तुमने बहुत बड़ा घपला किया है बहुत छोटी आ रही है बहुत पता नहीं मतलब बहुत कितना है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बहुत तुम बताओ कितना है मतलब छोटी है एक मिनट में भेज दूँ मैंने प्लस में भेज दिया तुमने प्लस में भेज दिया हाँ प्लस में भेज दिया तुमने नेगेटिव था ना वो पर मेरे नेगेटिव में आ रही है ये पावर 10 पावर माइनस 6 है हाँ जी फिर ठीक है माइनस 19 सारा मैंने जागृति तुम्हारी एक पावर गड़बड़ है एक बस एक और तुमने कैलकुलेशन में भी मिलन एंड जागृति कैलकुलेशन में भी है ना अप्रोक्सीमेशन लगा दी खासी नहीं सर एक मैंने बिल्कुल एप्रोक्सीमेशन पूरा सॉल्व 0.5 की भी हां मैंने भी नहीं एप्रोक्सीमेशन मेरा टाइम लग रहा था सर नहीं किया एप्रोक्स इसने मेरा आंसर भेज दिया सर मेरी पॉपकॉर्न भर गई पेज भर गया हां पूरा एक पेज भर गया अरे ऑफलाइन वालों ने निकाला आज एग्जैक्ट आंसर निकाला यही मेरा एग्जैक्ट आंसर है मेरा भी यही एग्जैक्ट है सर चलो इसमें न्यू ई इज 1350 इसको किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में एक सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं 10 पावर माइनस फोर 1.0 सर अब देखना अब ठीक है पावर ठीक है तुम्हारी 0.135 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड म्यू एच हो जाएगा ऐसे ही करके 480 इनटू 10 पावर माइनस 4 विल बी 0.048 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंसंट्रेशन मतलब एन ई और एन एच ये हमें दे रखी है 1.0172 इनटू 10 पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब और एक सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं 10 पावर माइनस 6 मीटर क्यूब ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 1.0172 इनटू 10 पावर 16
पर मीटर क्यूब, ये हो गया। अब हमें करना है सिंपल फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू म्यू ई एन ई प्लस एन एच म्यू एच, तब की वैल्यूज है, ई की वैल्यू क्या होगी 1.6 माइनस 19 कूलम, बाकी चार वैल्यूज ऊपर पड़ी हैं। इसको सॉल्व करके जो एग्जैक्ट आंसर आता है दैट इज 3.14 × 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर। ठीक है जी, अगला सवाल। The concentration of acceptor atoms in p-type germanium crystal is 4 × 10⁵ per centimeter cube. If mu h is 1900 cm² per volt second, find the sigma. आपका जो होमवर्क है दैट इज एक्सरसाइज 01 का पार्ट ए, उसको कर सकते हो आप लोग, बट डिस्कशन जो है दैट विल बी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, इकट्ठी करेंगे मतलब थियोरेटिकली ज्यादा क्वेश्चंस तुम लोग करते जाओ साथ साथ में। हाँ जी बोलो। क्या ऐसे ही में भेजने है ना पार्ट में? हाँ ऐसे ही सिमर करेक्ट, जागृति करेक्ट, अरे मिलन क्या कर रही है? इतना बड़ा घपला फिर सर, मैंने 3 को 5 लिख दिया, अरे ऐसा क्यों हो रहा है? दीप्ति ठीक है? फिजिक्स का सिलेबस कितने दिनों का रहेगा? नेक्स्ट वीक का बस। अच्छा ठीक, उसके बाद क्या? सर मेरा मन था 1 हफ्ता ऑफलाइन लगाने का, तो मैं सोच रही थी। अब तो देर हो गई, काफी देर हो गई। अरे मिलन गलत है, अभी भी आंसर याद तो गई। सर ये होने के बाद क्या करेंगे? हम सिलेबस ऐश करेंगे,
नहीं यार हद हो गई, तुम्हारे पास एच करने का टाइम है? नहीं सर, रिवाइज करना भूल गया। प्लस वन रिवाइज करेंगे ना? लेकिन अभी पहले तो नहीं, अभी करेंगे प्लस वन, पहले तो तुम्हारे बोर्ड्स है ना अभी। अच्छा नवंबर में प्लस टू रिवाइज करेंगे फिर, उसके बाद प्लस वन। यस टर्म वन पे पहले करेंगे फिर। ओके ठीक है, मिलन धीरे धीरे पावर चेंज करती जा रही है। लेकिन सही है सर, अब पेड़ बटवा दूं मैं गली में अपने। अभी अभी भी गड़बड़ है मिलन। सर अब मैं और नहीं कर सकती, कि देखना दोबारा उसमें चेंज मत कर। ट्रबल ठीक है, मुस्कान ठीक है। अरे मिलन सर मुझको सब अब मुझे पक्का समझ में आ गई मैंने क्या गलत करी, पर मैं अब दोबारा नहीं लिखूंगी। NH की वैल्यू दे रखी है 4×10^15। प्लस टू है पार है ना? क्या पार मतलब तो मैंने लिखा है आंसर प्लस टू है। प्लस हाँ माइनस वन है ना, प्लस टू है 121.6 आंसर। हाँ तो ये हो जाएगा 4×10^ इसमें 6 ऐड कर देंगे 21 पर मीटर क्यूब। म्यू एच हमें दे रखा है 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ये हो जाएगा 0.19 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। बस उसके बाद फॉर्मूला लगाना है हमें, क्या यूज करेंगे इसमें सिंपल, कौन से वाला सिस्टम? एच वाला, एनएच एनएच म्यू एच। तो वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर आता है 121.6। क्लियर है? यस यस। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पीएन जंक्शन डायोड्स, ठीक है? आज के लिए इतना ही, that's it sir। yes ek doubt tha isme nahi hai, acha nahi wo return nahi wo sir likh ke bhejne wala nahi hai, kaise bol ke bata meri awaaz na clear nahi aa rahi mere ko, to wo bol diya wo likh ke wala bhi matlab aise batane wala hai likhne wala nahi, likhne wala hai nahi pata nahi hai na, fir bolo सर। पहले ना हम बायो में पढ़ रहे थे ना एयर की फंक्शनिंग पढ़ रहे थे। अच्छा। तो मैम कहते हैं कि एयर से आवाज है साउंड वेव वो लिक्विड में आ रही है, वो रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, इसलिए हमको एम्पलीफिकेशन की जरूरत है। पर हमने साउंड के लिए ये कब पढ़ा कि एयर रेयर होती है, एयर तो डेंसर होती है ना साउंड के लिए, साउंड के लिए एयर डेंसर होती है। यही पढ़ा था हमने साउंड जो प्लस वन में किया था। हाँ कि वो सॉलिड्स में सबसे जल्दी ट्रांसमिट होती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैम ने क्या बोला? अच्छा उल्टा बोला मैम ने, उल्टा बोला। तो फिर हमने मैम से पूछा ना कि मैम फिर ऐसा तो नहीं होता, ऐसे केस तो उल्टा है, तो फिर हमें एम्पलीफिकेशन की क्या जरूरत है कान में? तो मैम के पूरी शब्द मैम कहते नहीं सोचना, आप बता दो। अच्छा टेंसर और रेयरर मीडियम डज नॉट डिफाइन द एम्पलीट्यूड है ना, दे डिफाइन द स्पीड। यस ठीक है, एम्पलीफिकेशन हमें एम्पलीट्यूड की करनी पड़ती है, हमें करनी ही पड़ेगी एम्पलीफिकेशन। नहीं नहीं करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो अलग चीज है, पहली बात तो ठीक है। पहले तो ये कंसेप्ट होना चाहिए कि रेयरर और डेंसर जब हम बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू व्हाट? वेलोसिटी, स्पीड। स्पीड ना, इट इज रिलेटेड टू स्पीड। हम एक्चुअली सेमीकंडक्टर के बीच में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसके सामने, रुको इसको बंद करते हैं। मुझे लगा सर ये रिकॉर्डिंग वाला क्या समझा रहे हो बीच में, इसको वेलोसिटी रिकॉर्डिंग।